चैनल को सब्सक्राइब करें और एक घंटी बजाना ना भूलें। तमाम विरोधों और दिक्कतों को झेलने के बाद संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत जब रिलीज हुई तो उसने बॉक्स ऑफिस पर पैसों की झड़ी लगा दी। जी हां, बॉक्स ऑफिस पर पद्मावती ने जिस तरीके से कमाई की है, अगर उस पर एक नजर डालें तो ये साल की सबसे बड़ी हिट हो सकती है। इस पिक्चर ने पहले दिन 5 करोड़, दूसरे दिन 19 करोड़ और तीसरे दिन 32 करोड़ का कारोबार किया है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो शनिवार यानी की चौथे दिन यह फिल्म लगभग 45 करोड़ का कारोबार करेगी और इसी के साथ 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो जाएगी। यह वर्ष 2018 की पहली 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली फिल्म होगी। इस फिल्म को लेकर वैसे तो बॉक्स ऑफिस पहले से ही पूरी तरह आशान्वित था, उसे विश्वास था कि यह फिल्म 300 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने में सफल होगी, लेकिन जिस तरीके से यह फिल्म विवादों में घिरी उससे अब यही लग रहा है कि यह साल की सबसे बड़ी हिट भी साबित हो सकती है। जहाँ इस फिल्म को 4 राज्यों में प्रदर्शित नहीं किया गया उसके कारण से बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर अनुमान लगाया जाए तो यह फिल्म हर रोज 20 करोड़ के नुकसान में है। पद्मावत के और भी कलेक्शंस जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।